हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम हिंदी व्याकरण करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, ऑप्शन ए दिया भास्कर बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी दिया गया द्वारका, ये भी सही है, प्रज्वलित भी सही है, लेकिन आपका कृषा कृषा गिनी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, अशुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, वह है ऑप्शन ए दिया गया सेठ सृष्टि, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया टकसाल टंकशाला। ऑप्शन सी दिया गया रहट अरहट। तो यही आपका पूछा गया अशुद्ध है, तो यही आपका अशुद्ध है इस क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म। ऑप्शन ए दिया प्राची प्रतिरिचि। ऑप्शन बी दिया समास व्यास। ऑप्शन सी दिया मर्सरी रुच। ऑप्शन डी दिया अनग निरग। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो होगा आपका अनग और निरग, ठीक है, ये आपका अशुद्ध है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने की प्रस्ताव इनमें से किसका था। ऑप्शन ए दे काका काले कालेलकर। ऑप्शन बी दे धर्मेंद्र वर्मा। ऑप्शन सी दे आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन डी दिया गया राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। तो को इसका राइट आंसर जो हो जाए आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, आपका आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कबूतर का परिभाषित शब्द नहीं है, पूछा गया कबूतर का परिभाषित शब्द। ऑप्शन है हारित, बिल्कुल सही है, वासंत भी है, रक्त लोचन भी है, लेकिन आपका यहाँ पे सॉरी हारित नहीं होगा, ठीक है, ये आपका कबूतर का नहीं है। पारेवा परेवा भी सही है, ठीक है। तो पूछा गया कि परिभाषित शब्द नहीं कबूतर का, तो हारित नहीं होगा। उसके बाद चलते बताइए किसका है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, इतर इतर इतेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया आपका इको इकोन यंची। ऑप्शन बी अंक सर्वेक्षण दीर्घ। ऑप्शन सी दिया गया वृद्धि, ये आपका आदगुण है, ठीक है, आदगुण है, तो ये राइट आंसर क्या होगा, इसका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूछा गया है, जो व्याकरण होता है उसकी दृष्टि से आपका शुद्ध क्या। हम सभी काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन में इतनी रात बीती तुम क्यों आई, ठीक है। ऑप्शन से इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, बिल्कुल सही कि इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, आपका करेक्ट है, ठीक है, शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोक उक्तियों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए दिया गया अंधा पिसे कुत्ते खाए, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया अंधा बगुला कीचड़े खाए, ठीक है, बिल्कुल सही कि अंधा बगुला कीचड़ खाए, राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की। ऑप्शन ए दिया गया हिंदुस्तान समाचार। ऑप्शन बी दिया गया भाषा। ऑप्शन सी दिया समाचार भारती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, यूनिवार्ता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा। ऑप्शन ए दिया पंडित का कामता प्रसाद गुरु ने। ऑप्शन बी दिया डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने। ऑप्शन सी दिया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। ऑप्शन डी दिया डॉक्टर विद्या निवास मिश्रा ने। तो क्वेश्चन में अगर टेंथ की मैं बात करूं तो डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने, ए इज द करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, लेखक है और उसकी रचना का जो कि सुमेलित नहीं है, सही जोड़ना। ऑप्शन ए दिया मुक्ति बोध काट का सपना, ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया मनु भंडारी त्रिशुंग, ये भी सही है। ऑप्शन सी शेखर जोशी हलवा भी सही है, लेकिन शैलेश मटियानी उत्तर प्रियदर्शी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोसाई दत्त इनमें से किस रचना का रचनाकार का मूल नाम है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया पीताम्बर दत्त वडथवाला का। ऑप्शन बी दिया सुमित्रानंद पंतन का। ऑप्शन सी दिया मंगलेश्वर डबराल का। ऑप्शन डी दिया शेखर जोशी का। तो क्वेश्चन अगर ट्वेल्थ की मैं बात करूं तो राइट आंसर होगा सुमित्रानंद पंतन जी का, राइट आंसर, ठीक है, गोसाई दत्त। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया गजाधर पंत, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया कि कृष्ण पंत, बिल्कुल नहीं। गिरीश पंत, ये भी नहीं होगा। यशोधर पंत, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम से नाम इनमें से किसने दिया। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 का, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिया सुनील सुनीत कुमार चटर्जी ने, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया कामता प्रसाद गुरु ने, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर राहुल सांकृत्य, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। ऑप्शन ए दिया गया सिराली, ऑप्शन बी दिया कुलोई, राइट आंसर क्या होगा सलानी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन ए दिया गया श श श ह, ऑप्शन बी दिया गया च छ ज झ, ऑप्शन सी दिया गया त थ द द, ये नहीं होगा य र ल व। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है, आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से एक शब्द का तत्सम शब्द पूछा गया है, तो एक जो है ना आपका तत्सम मींस क्या होता है, संस्कृत वर्ड होता है। ठीक है, तत्सम मींस संस्कृत, और इसका बिगड़ा हुआ, ठीक है, एक एक जो है ना आपका तद्भव है, तत्सम पूछा गया है। एक का तत्सम जो होता है आपका इच्छु होता है, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पर्वतीय कौन सा विशेषण पूछा गया कि जो पर्वतीय है इसमें कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है संख्यावाचक, बिल्कुल नहीं, परिमाणवाचक भी नहीं होगा यहाँ पे, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आपका पर्वतीय जो है गुणवाचक क्वालिटी बताई जा रही है, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए दिया गया संकेतवाचक, ऑप्शन बी दिया परिमाणवाचक, ऑप्शन सी दिया संख्यावाचक, ऑप्शन डी दिया गुणवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परिणाम वाचक की बात की। ठीक है, परिमाण वाचक बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह थोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है, नलकूप चालक परीक्षा। ठीक है, ये नहीं, ये कुछ नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए दे सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी दिया यहाँ पे बी तो नीचे होगा प्रविशेषण, ऑप्शन सी दिया गया गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन दिया संख्या विशेषण। तो क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह जो आपका सर्वनामिक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है गरीब, ऑप्शन बी दिया कैसा, ऑप्शन डी दिया गया सफेद, ऑप्शन सी दिया गया यहाँ पे कुछ। तो राइट आंसर क्या होगा, संख्यावाचक पूछा गया था, नंबर जो काउंट करते हैं तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाना चाहिए, लेकिन सी नीचे होगा, कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।